हाय गाइस, आज कढ़ी का एक वेरिएशन बनाएंगे हम। आज हम बनाएंगे मूली की कढ़ी। तो मूली की कढ़ी बनाने के लिए हमें एक मूली चाहिए जिसको मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ पे मैंने मूली को क्रश कर लिया है और उसके पत्तों को आप छोटा छोटा काट लीजिए। सबसे पहले हम इस मूली को और इसके पत्तों को सौते कर लेंगे। मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लूँगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें मूली ऐड कर लेंगे। मूली को सौते कर लेना है हमें यहाँ पर। जैसे ही मूली सौते हो जाए हम इसमें कटे हुए मूली के पत्ते ऐड कर लेंगे। पत्ते पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, इसलिए पत्ते बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे मूली और मूली के पत्ते अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम इसको एक बोल में निकाल के रख लेंगे। अब कढ़ी का मिक्सचर बना लेंगे। कढ़ी का मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बटर मिल्क लिया है, छाँस लिया है, जिसमें मैं हल्दी पाउडर मिला लूँगा। सारे मसाले हम इसमें मिला लेंगे, जो भी पिसे हुए मसाले हैं हम इसमें मिला लेंगे। जैसे कि मैंने हल्दी इसमें मिला ली है, धनिया पाउडर इसमें मिला लिया है, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और हम इसमें मिला लेंगे नमक। यहाँ पे मेरे पास बेसन है, मैं बेसन इसमें ऐड कर लूँगा। लेकिन ध्यान रहे, जो बेसन हम यूज़ करेंगे कढ़ी बनाने के लिए वो पतला पिसा हुआ बेसन होना चाहिए, दरदरा बेसन नहीं होना चाहिए। बेसन मिला लेंगे और इसको एक विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना रहे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने मिक्सचर को। मूली हमने सौते करके साइड में रख ली है। यहाँ पे हमारा कढ़ी का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। जिस कढ़ाई में मैंने मूली को सौते करा था वही कढ़ाई में यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लूँगा कढ़ाई में। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें लौंग डाल देंगे, लाल मिर्च और हींग डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास सरसों के बीज हैं, सरसों के बीज ऐड कर लूँगा, मेथी ऐड कर लूँगा। हम इसमें कड़ी पत्ता मिला लेंगे। जैसे ही मसाले इसमें क्रैकल होने लगे, यहाँ पे मेरे पास चॉप्ड अनियन है, बारीक कटा हुआ प्याज जो कि मैं इसमें ऐड कर लूँगा, एक हरी मिर्च, हल्का सा सौते करना है हमें। यहाँ पे हमें प्याज को कलर नहीं देना है, हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कढ़ी का मिक्सचर। कढ़ी को पहले बॉईल आने तक आप इसे अच्छे से चलाइए, वरना कढ़ी स्प्लिट हो जाएगी। पहले बॉईल आने के बाद हम इसको सिमर कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक, जब तक कि ये थिक हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट बॉईल आ गया है कढ़ी में। हमने जो मूली सौते करके रखी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को एकदम सिम कर लेंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसे सिम फ्लेम में पका लेंगे, जब तक कि ये थिक ना हो जाए। जितनी भी थिकनेस आपको कढ़ी में पसंद है आप उतनी कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। गाइज, ये सिंपल रेसिपी थी मूली कढ़ी की। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल द वैली को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।